गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 5 चल रहा है मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपको कुछ इंट्रोडक्शन पहले दे चुके हैं और आज हम आगे बताने जा रहे हैं। आप लोग देखिए पेज नंबर 48, मैथ्स में पेज नंबर 48 निकालिए। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, हम 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी क्या है, विदाउट कैरी। इसमें कैरी नहीं होगा, कैरी नहीं लेना, मतलब कैरी होगा नहीं अगर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से हम आपको कुछ एग्जांपल देके बताते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके बुक से ही हम ले रहे हैं। एग्जांपल में देखिए क्या है, मल्टीप्लाई 1032 बाय 2। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 stands 100,000, 1032 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, 2 2 4, 3 2 6। देखिए इस समय क्या है, कैरी नहीं आ रहा है। अगर हम 2 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। 2 2 क्या होगा, 4, 4 तो क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। फिर 3 को 2 से किए या 2 को 3 से करेंगे तो सेम होगा, तो 3 2 क्या होगा, 6, ये भी सिंगल डिजिट नंबर है। अब क्या 0 को 2 से करेंगे या आप 2 को 0 से कीजिए तो ये क्या होगा, अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। आप लोग जानते हैं किसी भी अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, 0। अब फिर ये क्या है, 2 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ये होता है मल्टीप्लाई, आप लोग जानते हैं करने के लिए। और एक एग्जांपल है मल्टीप्लाई 1 3, एग्जांपल में देखते हैं मल्टीप्लाई 1 3 5। ये जो है ये आपका विद कैरी है, ये था आपका, ये था विदाउट कैरी। और अब जो हम बताने जा रहे हैं वो है आपका विद कैरी, मतलब इसमें जो है इस मल्टीप्लाई में क्या होगा, आपको कैरी होगा, कैरी होगा। तो कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल है इसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 3 5 4 बाय 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं 1 10 100,000, 1 3 5 4 इंटू 6 से करेंगे, देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। तो पहले करेंगे 4 से, 4 को 6 को 4 से करेंगे तो 6 4 का क्या होता है, 24। आप लोगों को टेबल मालूम होगा 6 4 का क्या होता है, 24। तो यहाँ पे 4 जो है वन प्लेस से वो यहाँ पे लिखेंगे राइट साइड में, और 2 क्या होगा आपका, कैरी हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में कि मल्टीप्लाई अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ना कि यहाँ पे पहले 5 + 2 ऐड कर दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 5 × 6, हम साइड में लिख भी रहे हैं, 5 × 6 इक्वल टू क्या होगा, 6 × 5 = 30। और इसमें 2 ये जो है, ये 2 क्या करेंगे, जो कैरी है वो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 32। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये 3 क्या हो जाएगा आपका, कैरी हो जाएगा। फिर 3 6 का क्या होगा, 3 को किससे करेंगे, या यहाँ पे आप 6 5 का लिखिए, इधर हम 6 लिख रहे हैं, 6 5 का 6 3 का 6 3 का 18 18 ना, प्लस क्या करेंगे इसमें, कैरी है 3 तो क्या होगा, 18 और 3 21, क्या होगा, 21 2 1 21, 1 हम यहाँ पे लिखे, 2 क्या हो गया, कैरी। फिर क्या करेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = 6, ऐसा प्लस क्या करेंगे, कैरी आपका 2, यहाँ पे 2 लिखे तो क्या होगा, 8, यहाँ हम 8 लिखते हैं। आप लोग देख सकते हैं 1354 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, 8124। तो ये आपका है मल्टीप्लाई। ये एक्सरसाइज 5 से जो है आप लोग कॉपी में कीजिएगा, कॉपी चेक करवाने के लिए जरूर आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है ये आप लोग थोड़ा ध्यान पढ़िएगा, देखिएगा बुक में, जो समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो देखिएगा उससे समझ में आएगा, आप लोग जरूर कीजिएगा तब आपको बताएंगे। नेक्स्ट आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।